नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब 9 जून 2018 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम सब 14 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इस सेशन का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहां से लिंक के माध्यम से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको बता दें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में चीन ने किस देश से वन चाइना पॉलिसी पर समर्थन मांगा है? अमेरिका, भारत, जापान या फिर अफगानिस्तान? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा भारत। आपको बता दें कि चीन ने भारत से वन चाइना पॉलिसी पर समर्थन मांगा है, जिसके बदले भारत ने चीन से कहा है कि वह पहले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रोजेक्ट जो है बंद करे, उसके बाद ही हम आपको समर्थन दे सकते हैं। और दोनों देशों के बीच हाल के समय में संबंध में सुधार आया है और इसके बाद चीन ने यह निवेदन किया है। आपको बता दें कि चीन का जो कैपिटल है वो बीजिंग है और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो सी जिनपिंग है। और अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो संघाई है और वहां का जो करेंसी है रेनवेवी और युआन कहा जाता है। तो इतना कुछ आप जरूर अपने नोटबुक में मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में किस बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद RBI ने मौद्रिक नीति समिति की दूसरी द्विमासिक समीक्षा बैठक नीतिगत दरों से क्या किया, इसमें 0.25% की वृद्धि की है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। तो दोनों के बारे में आपको मैं बता दूं कि रेपो रेट जो ओ रेट होता है जिस दर पर बैंक को RBI कर्ज देती है। बैंक इस कर्ज से क्या करता है, ग्राहकों को लोन मुहैया कराता है और यह जो है कम होने पर क्या होता है कि ऋण जो होता है, जो हम सब ऋण लेते हैं, जो लोन लेते हैं वो सस्ता होता है, और जब बढ़ता है तो उस कंडीशन में जो लोन है वो महंगा होता है। और वहीं अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, बैंकों को अपनी ओर से जो RBI में जमा धन होता है उस पर जो ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में जो नकदी होती है उसमें तरलता को नियंत्रित करने में काम आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाल ही में किस कंपनी के शेयर 5% गिर गए हैं? वीडियोकॉन, वोडाफोन, एयरटेल या फिर फ्लिपकार्ट? तो इसका सही जवाब जो है वो है वीडियोकॉन, ऑप्शन ए। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयर में 5% की गिरावट दर्ज की गई है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बुधवार को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के खिलाफ दिवालिया याचिका स्वीकार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फोर है, इनमें से किस दिन विश्व भर में विश्व महासागर दिवस मनाया गया है? 7 जून, 5 जून, 2 जून या फिर 8 जून? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 8 जून। तो बता दें आप सभी को कि विश्व महासागर दिवस विश्व भर में 8 जून 2018 को मनाया गया, क्योंकि महासागर जो है हमारे पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसे संतुलन बनाए रखने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस घोषणा के बाद मनाया गया, और ये घोषणा किया गया था 2009 से विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, मुंबई सरकार या फिर केरल सरकार? तो इसका सही जवाब जो है वो है पंजाब सरकार, ऑप्शन बी। पंजाब राज्य ने व्यवसाय को सरल बनाने के लिए बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उपयोग जो है आसानी से किया जा सकेगा। और ये जो बिजनेस फर्स्ट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के द्वारा। आपको बता दें कि जो यह ऑनलाइन पोर्टल होगा उद्योगपतियों को
विनियामक निकासी और वित्तीय स्वीकृति के लिए सुविधाजनक बनाते हुए एक ही मंच पर सभी सुविधाएं प्रदान किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आते हैं 6 पे। इनमें से किस खिलाड़ी का नाम बीसीसीआई के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार के लिए चुना गया है? और इसके लिए ऑप्शन है एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुरेश रैना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने कल के सीरीज में आपको दिया था, तो इसका क्या होगा सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है और आगे भी आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो उसे भी आप जरूर मेंशन कीजिएगा आंसर लिस्ट में। एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश और झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी तंबाकू का सेवन करती है? 40%, 60%, 30% या फिर 75%? तो इसका सही जवाब जो होगा वो कितना होगा, 40%, यानी ऑप्शन ए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वैश्विक वैक्स तंबाकू सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चला है कि भारत में उत्तर प्रदेश और झारखंड की जो 40% आबादी है वह तंबाकू का सेवन करती है, और यह सर्वेक्षण का दूसरा चरण था जिसे नाम दिया गया है GATS2। आप याद रखिएगा ये दूसरा चरण है और इसका नाम दिया गया है GATS2, इस नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस बैंक ने 6,000 करोड़ की अटल भूजल योजना को अनुमति प्रदान की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक? तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया है और इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ऑपरेशन निस्तार द्वारा भारतीय नौसेना ने सोक्रोट्रा द्वीप से कितने भारतीयों को सकुशल बचाया है? 55, 105, 300 या फिर 38? तो इसका सही जवाब जो है वह है 38, ऑप्शन डी। भारतीय नौसेना ने यमन के सुक्रोटा द्वीप पर फंसे हुए 38 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला है और ये 10 दिन पहले इस इलाके में आए चक्रवात के कारण यह लोग इस क्षेत्र में फंस गए थे, और जिन्हें बचाने के लिए क्या हुआ कि भारत ने यह अभियान आरंभ किया था और ऑपरेशन निस्तार के तहत भारतीयों को बाहर निकाला गया है। आप याद रखिएगा कि जो सुक्रोट्रा द्वीप है वहां से जो भारतीयों को सकुशल बचाया गया उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन निस्तार। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। SBI और PNB बैंक के बाद किस बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई है? केनरा बैंक, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में SBI और PNB बैंक के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक के बड़े बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक में ब्याज दर बढ़ाई है जिससे सारे लोन महंगे हो गए हैं, और बैंक ने कहा है कि MCLR में 5 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ 7 जून से प्रभाव में आ जाएगा, यानी कि ये जो है 2 दिन पहले से ही प्रभाव में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ई कचरे की समस्या पर लगाम लगाने हेतु सरकार ने लोगों से पुराने फोन, कंप्यूटर, राउटर और अन्य बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार या फिर कर्नाटक सरकार? तो इसका सही जवाब जो है वह है राजस्थान सरकार। कचरे की समस्या पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने लोगों से पुराने फोन, कंप्यूटर, राउटर और अन्य बेकार इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उसको खरीदने की योजना बना रही है और उसके बाद उसे रिसाइकिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम सब। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निर्धारित वर्तमान रेपो दर क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले SBI और RRB के लिए, साथ साथ IBPS के लिए। तो अभी जो है वो कितना है, तो है 6.25%। आप याद रखिएगा अभी रेपो रेट जो है वो है 6.25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ताइवान ने किस देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच 7 जून 2018 को बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है? रूस, जापान, नेपाल या फिर चीन? तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो होगा चीन। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया जिसमें पहली बार नागरिकों द्वारा संचालित ड्रोन का प्रयोग किया गया।
यानी कि वहां के जो आम नागरिक हैं वो भी ड्रोन को आराम से संचालित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे वो भी युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा चीन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सेवा भोज योजना शुरू की गई है? कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? तो क्या होगा इसका सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को काफ़ी डिस्कस किया है और पिछला सेशन अगर आपने देखा हो तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो तीन प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बता दें दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई सुझाव है जिससे कि आपको लगता है कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।